हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सिन्हा आज आप लोग के सामने फिर से एक मेडिसिन लेके आई हूँ चिकन पॉक्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चिकन पॉक्स छोटी माता या बड़ी माता के रूप में नहीं बल्कि यह वायरस से होने वाली एक बीमारी है। वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस एक संक्रमण का कारण है जो कि खांसने, छींकने या रोगी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। आइए अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ। इसके लक्षण हैं बुखार आना, नाक और आँख से पानी आना, खुजली होना, शरीर में दाने निकलना, ज़्यादा स्थिति बिगड़ने पर कान बहना, सीने में इन्फेक्शन होना, दिमागी बुखार होना, नर्वस सिस्टम खराब होना, निमोनिया जैसी स्थिति होना, किडनी लीवर पर भी असर पड़ता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में ही होती है और ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है। चिकन पॉक्स संक्रमित व्यक्ति को छूने से या उसके छींकने और खांसने से भी फैलता है। कुछ गंभीर मामलों में अगर खराबी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण चिकन पॉक्स ठीक ना हो तो उससे व्यक्ति को फफोले यानी निमोनिया और दिमाग की सूजन जैसी जटिलताएं भी अनुभव हो सकती है। ऐसी स्थिति में रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाने की आवश्यकता हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं इसके मेडिसिन की तरफ। इसकी पहली मेडिसिन है एगोनाइट और दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30 CH पोटेंसी में लें दिन में 4 बार। और इसकी तीसरी मेडिसिन है रस्टक्स 6x या 30 में 3 बार लें। और इसकी चौथी मेडिसिन है बायोकेमिक दवा फेरमफॉस 6x काली में और 6x। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।